हेलो एवरीवन, मैं नमसा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिश्रा। सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, भाई आपको पता है एक पाकिस्तानी है जो इंडिया गए हुए हैं, दोबारा गए हैं इंडिया और अब वो मुंबई में दिल्ली वहां पे अपना छोड़ा है ना, इस वजह से बार बार वहां पर जाते हैं। तो आज जो वीडियो में देखने वाला है भाई वो इंडियन का, इंडिया मुंबई का खास तौर पे जो स्ट्रीट फूड है ना, जो वड़ा पाव ये वो जो फेमस स्ट्रीट फूड है वो खाने वाले हैं भाई हम देखेंगे इस वीडियो में। प्लीज वीडियो कंट तक देखे, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की रेसिपी। हो गया, बड़ा जल्दी हो गया। मुंबई में क्या अच्छा लगा? जबरदस्त। ये जो है थोड़ा डिफरेंट है, वे फेमस वड़ा पाव आराम वालों का। दूसरी जो चीज है मिसल पाव, इस लॉबे एक और चीज मंगवाई है और नजारे करेंगे मुंबई इंडियन की बस। और बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने फेंस किया हुआ है। नीचे इतने लोग आ गए और जहाँ पे हम उतरे हैं पीछे ये देखें हमारे क्रिकेट हो रही है और बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हैं वो भी खा रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कैसे हमने बीच की सैर की और उसके बाद हमने बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड खाया था मुंबई में। आज हम मुंबई के बहुत ही फेमस एक रेस्टोरेंट जाएंगे जो कि बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मुंबई की डिशेस ट्राई करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली भी आपको सारी वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए वीडियो इन्जॉय करते हैं। भाई सलाम नमस्ते सत श्री अकाल भाई, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक ठाक हो, फिट फाट हो गए भाई। मुंबई की सैरें हो रही है, गर्मी इंजॉय हो रही है, तो अभी हम आए हैं अपने भाई के। खा रहे हो? हो गया बड़ा जल्दी हो गया। कब से आ रहे हो यहाँ पे? कर्नाटक से आया मैं। कर्नाटका से? मैं गया था बैंगलोर। बैंगलोर में रहते हो? गुलबर्गा। गुलबर्गा? ये गुलबर्गा से है? अच्छा, तो ये हमारा जो कैमरा मैन जो बना रहे हैं ये गुलबर्गा से है। हाँ। यार बेंगलोर बढ़िया, यार खाने बढ़िया है ना? हाँ। ये कैसा लगा? बेस्ट, मस्त एकदम बेस्ट है, एक नंबर। बेंगलोर की गुलबर्गा की क्या चीज़ फेमस है? गुलबर्गा में ये अपना मालपुरे भी फेमस है। हाँ हाँ। और मुंबई में क्या अच्छा लगा? मुंबई में वड़ा पाव बेस्ट है। वड़ा पाव अच्छा है, एक नंबर है। मैंने पहली दफा खाया, एक नंबर है भैया। मिसल पाव खाया? नहीं, मिसल पाव नहीं, ये खाया है, बेस्ट है। चलो ठीक है, हम भी फिर खाते हैं, फिर बताते हैं आपको और खाएंगे, ठीक है? चलो थैंक यू। तो भाई मुंबई का वन ऑफ द फेमस वड़ा पाव इन फ्रंट ऑफ डबंडा करवा स्टेशन खाते हैं। 1929 से है, आज़ादी से पहले का। खाते हैं, रिव्यू देते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या सीन है। कितना प्यारा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। भाई ऑर्डर कर दिया है, बड़ी ही फेमस जगह है वड़ा पाव की मुंबई में, जो कुछ फेमस जगह है उनमें से एक है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं आराम वालों का वड़ा पाव खाने। मोस्टली लोग बाहर खा रहे हैं लेकिन गर्मी की वजह से हम अंदर आ गए और अंदर बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने। खा के देखते हैं मुंबई का सबसे मर्चेंट ताल्लुक है ना, तो फिर दिन दिन फिर वो मजेदार लग रही। अभी आ गया है वन एंड ओनली वड़ा पाव भाई। बड़ा ये जो है ना थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली मैंने जो खाया है अब तक इंडिया में वो यूँ काट के बन को मक्खन शक्खन लगा के मसाले वसाले डाल के देते हैं, ये इन्होंने सिंपल बन दे दिया है और खटा नहीं हुआ और बड़ा मसाले भी बस इस तरह ये डाल दिए, उस तरह बन के ऊपर नहीं लगाए वो पाव के ऊपर। तो खैर हम खुद ही इसको थोड़ा सा यूँ करते हैं, ज़रा हम उस तरह से कर नहीं पा रहे, टेढ़ा मेढ़ा हो गया और इसको बीच में रखते हैं। हाय हाय हाय, ये ओहो अच्छा। ये देखिए अंदर से पहले ही बता दूँ, ये बड़ा क्रिस्पी होता है ऊपर से और अंदर इसके फुल आलू मसाले सॉस सब भरा होता है। सॉस तो नहीं होती लेकिन मसाले वगैरह डाले हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त। और साथ इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये मेरे ख्याल है अनियन को उन्होंने क्रश किया हुआ है, फ्राइड अनियन, थोड़ा सा ये डालेंगे। आहा, और इसमें थोड़ा सा लगा के वे फेमस वड़ा पाव आराम वालों का। ओह, जो बेंगलोर में खाया था बीबी पुरन में काफी मिल रहा है, बहुत मुंबई आके वड़ा पाव ना खाया तो क्या खाया, यहाँ पे शायद ऐसे ही खाते हैं। लेकिन मुझे वो सॉस जो बीच में डलते हैं ना उसको मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ही ड्राई लग रहा है। और शायद क्योंकि ये जो पाव है उसको भी काट के मक्खन लगा के नहीं बनाया हुआ,
या हमने शायद मंगवाया ही सादा वाला है, लेकिन उन्होंने कहा था ये वाला सबसे फेमस है, ओरिजिनल जो चलता है, तो हमने वही मंगवाया। तो ज़्यादा सारा इसको लगाते हैं और थोड़ा सा ये और डालते हैं। ओवरऑल शायद इसका एक नंबर उस वजह से कट जाएगा कि सॉसेस नहीं टू गुड। तो दूसरी जो चीज़ है मिसल पाव, इसका नाम मैंने पहली दफ़ा सुना है, ना कभी देखी है ना कभी खाई है। तो ये ऐसे है भाई, इस तरह की एक चाट टाइप सी चीज़ है और ऊपर इन्होंने ये प्याज और ये चीज़ें डाली हुई हैं। चमचे दिए मेरे, शायद चमचों से खा सकते हैं, और साथ में ये दो पाव दिए हैं। इसको खा के देखते हैं, पहले थोड़ी चमचे से खा के देखते हैं भाई कैसी लगती है। ओ नीचे और भी मसाले हैं भाई, ये देखें, ये नीचे डार्क हो रहा है ज़रा ज़बरदस्त। तो थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी मिसल, अब खा के देखते हैं। फर्स्ट टाइम है वाला। बड़ी लाइट सा अच्छा सा टेस्ट आ रहा है, देखने में मुझे लग रही थी बहुत ही स्पाइसी, मसाले बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। मुझे हमने एक रगड़ा पैटी खाया था एक दफ़ा, उस टाइप का इसका वो लग रहा है जो सॉस है अंदर, अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा है। अक्सर आप नई चीज़ें ट्राई करती हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन उस तरह की नहीं होती। तो ये हम पाव लेंगे और इसको ऐसे तोड़ के, पाव बिल्कुल सादा है जो बन है, उसको रोटी की तरह यूज़ करेंगे। आई एम श्योर ये इससे अच्छा लगेगा। ओहो, ये चेक करें भाई, ओहो आज मुझे बड़ा पाव ज़्यादा अच्छा ये लगा, स्पेरी बन के साथ। ओ यार बार बार बन कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, पाव के साथ। तो दो पाव दिए, दो बंदे भी ये खा सकते हैं बड़े आराम से, बड़ी हैवी क्वांटिटी है ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े हैं। तो दो चमचे भी दो दिए, आई थिंक दो की सर्विंग ही होती है। तो भाई अगर आप एक बड़ा पाव और एक मिसल पाव लें और दो बंदे हैं तो मेरे ख्याल आराम से पेट भर सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। और बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हैं, वो भी खा रहे हैं। एक भाई साहब ने पूछा फॉरेनर ने, तो भाई क्या नाम है इसका, कैसा टेस्ट है, मगर मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त, 10 out of 10। तो भाई एक और चीज़ मंगवाई है, भजनी थाली पीठ, तो अगर नाम गलत हूँ तो माजरत। उन्होंने कहा ये हमारी फेमस है, इसका नाम भी नहीं सुना, खाई तो दूर की बात है। तो ये रोटी को लाज भाई ऐसे लग रही है, इंग्रेडिएंट्स पता नहीं क्या है, तो बड़ी गरम गरम है। शुरू में सूजी की वो टिक्की सी लग रही थी, प्रेस करके बनाई हुई है, लेकिन वो डेफिनेटली नहीं है। तो दो सॉस आते इनके साथ देते हैं, तो हम ये लगाएंगे थोड़ा सा, ये देखिए खाते हैं फर्स्ट टाइम, ये भी फर्स्ट टाइम भजनी थाली पी। शायद शुरू में जो खाया वो स्पाइसी था, जो पिछली डिश खाई थी वो गरम गरम लग रहा है, वो स्पाइसी नहीं है। मेरे ख्याल दालों को कूट के बनाया हुआ है, आपको पता है भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो। दो तीन प्रकार के दाल रहती है, दाल वाले है ना, हाँ वो शामी कबाब जो हम खाते हैं उससे मिल रहा है, दाल ही है, गुड़क दाल वगैरह मिक्सचर बनाया हुआ है, प्याज टमाटर वगैरह डाल के, तो अच्छा है ये भी खा सकते हैं, स्नैक्स के लिए ठीक है, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन कि स्नैक्स की तरह खाते हैं ना, ये मील तो नहीं है, मील नहीं, स्नैक्स के लिए ठीक है, अच्छी चीज़ है, चाय शाय के साथ।
तो भाई हमने यहाँ सब्जी रोटी भी ट्राई की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हम रिव्यू नहीं बना सके, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी थी और बहुत ही डिफरेंट तरह की सब्जी थी। तो भाई बड़ा ही मजेदार खा रहा था, मजा आ गया खा के। मुंबई में ये वड़ा पाव मशहूर चीजें तो बेस्ट मिलती है भाई, तो और गहमा गहमी तो हर जगह ही रहती है, इस तरह लोग चलते फिरते रुक के खाते रहते हैं। तो ये इनकी पुरानी दुकान थी, वो अंदर इनकी नई जहाँ पे बैठे हैं हम, वो भी पुरानी है खैर, लेकिन इसके मुकाबले में नहीं है। तो भाई इतने मज़ेदार खाने के बाद हमने फैसला किया कि साथ ही बहुत ही खूबसूरत डबल डेकर बसेस चल रही थी, क्यों ना उनकी सैर की जाए। तो आइए चलते हैं डबल डेकर बस की सैर करने। पहली लोकल बस में बैठ भैया, उसका टिकट चर्च गेट का कितना है? चर्च गेट 6 रुपये 2 12 दे दे 12 बारा। हाँ दे रहा हूँ भाई, एक मिनट दे। पहली दफा बैठ रहे हैं ना यहाँ पे, पता नहीं है आएगा गाड़ी। ये डबल डेकर जाएगा? हाँ डबल डेकर आएगा। थैंक यू भाई। 12 रुपये। तो भाई पहली डबल डेकर में बैठने लगे हैं इंडिया की, और बहुत सस्ता टिकट है, सिर्फ 6 रुपये का। हमने पास में जाना है वैसे, 6 रुपये आई थिंक ये वाली है। वाह, एक मुंबई इंडियन वाली भी चल रही है, अगर वो आ जाती है तो उसमें बैठेंगे, नहीं तो लाल वाली में बैठ जाएंगे। तो ये है भाई टिकट जो दिया है, 12 ऐसे, 2 बंदे हैं तो 12 का टिकट है, और ऐसे देते हैं। नहीं अच्छा सिस्टम है सारा, डिजिटल है सिस्टम। हाँ काम बड़ा सही लगा हमें, अच्छा है। ऑनलाइन पेमेंट भी है और कैश भी है। तो ऐसे लोग लाइने में आगे खड़े हुए हैं बड़ी डिसिप्लिन के साथ, और जिसने बैठना है वैसे बैठ सकते हैं। क्या बात, ये बस स्टैंड बने हुए, लेकिन लोग इसलिए खड़े हुए हैं कि नेक्स्ट बस में 1x1 बारी आएगी, यहाँ पे आएगी बस। तो भाई हम बैठेंगे मुंबई इंडियन वाली बस में, मुंबई इंडियन वाली बस में हम बैठने लगे हैं। ये शायद लगी होगी कितनी से ही बस से, देखो अभी देखिए तो सा एनजी ये समझे ऐसे तो नहीं ना, एयर कंडीशन तो है के है। बैठते हैं फिर आपको बताते हैं क्या सीन। हम ऊपर जाएंगे, हाय हाय ऊपर ठंडा भी बड़ा है जबरदस्त। तो हम बैठेंगे सबसे आगे वाली सीट पे, उत्ते भी बनिया सीटा और थल्ले भी सीटा बनिया डबल डेकर वाला। वाह भाई वाह, डबल टाइम है मुंबई के। तो भाई सबसे आगे ऊपर वाले डेक में मिली है, और यहाँ से मुंबई के नज़ारे करेंगे। तो हम जा रहे हैं बेसिकली चर्च गेट, और ये जगह का नाम है, तो CST से हम जाएंगे चर्च गेट और नज़ारे करेंगे मुंबई इंडियन की बस में। अंदर से तो सारी बसें एक जैसी हैं, बाहर पेंट किया हुआ है बेसिकली मुंबई इंडियन का। तो चलें आपको भी साथ सैर करवाते हैं, आ जाएँ। और हाँ एयर कौन है, सबका एयर कौन है, सीधे ही बैठते हैं। चलो ठीक है, पूरी बस में फिट किस्म का एसी लगा हुआ है गर्मी से दूर, और ऊपर ज़्यादा ठंड है, नीचे फिर भी थोड़ा सा कम है, ऊपर ज़्यादा है। तो भैया ये बस चल पड़ी है यार, ऊपर से व्यू ही अलग है, वाह वाह। सबसे आगे बैठ के जा रहा हूँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, पुराने मुंबई का विजिट करते हुए। चर्च गेट का भी बहुत नाम सुना है, देखते हैं कैसा है। ये देखें कैसी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया ये मुंबई। ओवरऑल वैसे सारी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एरिया भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पुराना भी है। ये देखिए क्या बात है, ये देखिए मार्केट, ये देखें भाई मुंबई की गलियों की सैर करते हुए जा रहे हैं। ये 7 पे सड़क के बहुत सारी मार्केट्स हैं, ये देखें यहाँ पे हम खाने भी आए थे, शान चाइनीज़ पे खाया भी था, बहुत अच्छा था ये। और इस तरह ये बस स्टॉप पे रुकती भी जाएगी, देखें लोग खड़े हुए हैं और हम सबको ऊपर से देख रहे हैं, वाह क्या बात है। हम ये पाम ट्रीज़ के
लेवल पे ही है तकरीबन, जबरदस्त। ऐसा स्पीड, ऊपर स्पीड ब्रेकर डबल हो जाता है कोई भी जम पाए ना वो डबल हो जाता है, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है, मज़ा आ गया। ये देखें जी, कंस्ट्रक्शन हो रही है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने फेंस किया हुआ है। ऊपर से नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम वैसे गुजरते हैं गाड़ियों में तो नज़र नहीं आता। ज़बरदस्त, और मुंबई की सैर करते हो भाई, क्या बात है। ये कितनी खूबसूरत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, बड़ी आइकॉनिक मुंबई की बिल्डिंग्स। ज़बरदस्त, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देखें अंडरग्राउंड ये बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, देखते हैं भर जाएगी बस अब। और ये देखिए स्टैचू है कोई, बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ है। वाह, ये आ गया अरे नीचे इतने लोग आ गए भैया। तो अब नीचे उतर रहे हैं, ये थी भाई हमारी छोटी सी बस राइड चर्च गेट की, और बड़ा मज़ा आया। एयर कंडीशन बस थी, डबल डेकर ही होनी चाहिए भाई ये। और जहाँ पे हम उतरे हैं पीछे, ये देखें हमारे क्रिकेट हो रही है, वाह यहीं से निकलेंगे नए धोनी विराट कोहली, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देखें तो क्या बात है। अरे वाह, वहाँ पे भी खेल रहे हैं, कोई एकेडमी सी लग रही है ये कोई मुझे। तो दोस्तों ये थी बहुत ही शानदार बस की सैर, तो उम्मीद है आपको राजपुरी वाकई में, मुझे तो यार बड़ी पसंद आई। मुझे डबल डेकर ट्रेनें बहुत ही ज्यादा पसंद है, पता क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर बैठ के ना आपको पूरे का पूरा शहर हमें दिखता है, आप पूरा का पूरा शहर को घूम सकते हैं जब आप घूम रहे होते हो तो, वरना नीचे आप होते हो ना तो आपको इतना खासा कुछ नजर नहीं आता जब नीचे आप बैठे होते, लेकिन जब आप ऊपर वाली जगह पे बैठते हो ना तो आप पूरे के पूरे शहर को अपनी आंखों से ऐसा लगता है जैसे ना समाना तो तुम चढ़े हो, तो पूरे के पूरे शहर की आप ना मतलब सैर कर रहे हो, तो ऊपर से एसी भी लगा हुआ ना, मतलब जब डबल डेकर ट्रेनें, मैंने खासतौर पर ट्रेनें बोल रही हूँ, वो मैंने देखी है ना बसें, उनकी छत जो ऊपर वाली की होती है ना वो छत नहीं होती, मतलब कि वो खुली ही ऐसी होती है, तो ज्यादातर खुला ही में ही वो ज्यादातर घूमती है ना दिखाई देती है, लेकिन इसमें उन्होंने ऊपर भी छत बनाई है जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इतनी ज्यादा अब यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और क्योंकि इंडिया भी साथ है तो उत्थे भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो फिर इस गर्मी में आपको पता है एसी अगर हो तो ही इंसान सफर कर सकता, वरना तो इतने ज्यादा लोग बैठे हों तो गर्मी कितनी हमें लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि बंदे का दिल घबराने लग पड़ता है इतनी गर्मी में। तो लेकिन वड़ा पाव जो कि एक फेमस है, मेरी अम्मी को ना खास तौर पे जो बन वाली चीजें होती है ना, मतलब के बांध वगैरह की पसंद नहीं है ना, हमें ना पसंद, क्या पसंद है आपको? दालें है ना, मेरी अम्मी को ना मतलब शोरबे टाइप जो चीजें होती है ना, दाल चावल इस तरह की चीजें ज्यादातर मेरी अम्मी खाना पसंद करती है, लेकिन वड़ा पाव जो कि एक मुंबई का खास तौर पे मशहूर एक है ना चीज, वो वड़ा पाव है, तो बोल रहे कि मुंबई अगर जाओ तो वहां पे वड़ा पाव ना खाओ तो आप समझो आपने कुछ भी नहीं खाया, तो वहां पे जाके वड़ा पाव खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमारी लाइट गई हुई है जिसकी वजह से आपको पता है भाई गर्मी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मुझे लगा था आ जाएगी लाइट लेकिन नहीं आई, इतनी डीट किस्म की लाइट है, ऊपर से मक्खियां हैं। क्या आपके यहाँ भी लाइट जाती है? अगर जाती है तो बताइएगा, हमारे यहाँ तो कल से बहुत ज्यादा जा रही है, और हमें उधर तो जाती नहीं, उनके वहां पे नहीं जाती, यहाँ तो मतलब हमारे यहाँ भी नहीं जाती, लेकिन अब कल से इन्होंने पता नहीं क्यों हमें इतना ज्यादा तंग किया हुआ है, हालांकि 9-10 मुहर्रम है इन दिनों तो लाइट वैसे नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जा रही है, बहुत ज्यादा जलील करके इन्होंने रखा हुआ है हमें। लेकिन मुंबई की सैर ऐसा लगा हमने खुद भी कर लिया है, बहुत ही अच्छा लगा, कभी आएंगे तो यहाँ का वड़ा पाओ और कुछ खाइए ना खाइए, वड़ा पाओ जरूर खाना है। ये थी आज वीडियो, कैसी लगी? अम्मी आपको कैसी लगी बताया? अच्छी लगी,
इधर देख पता है, फिर लोग बोलते हैं मैं ही बोलती जाती हूँ, आप बोलते हैं। अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लोग है। हाँ, खाने कैसे लगे? खाने अच्छे है, हर चीज अच्छी है इनकी। बिल्कुल डबल डेकर ट्रेन बस सही लगी, अच्छी है। हाँ अच्छी लगी है यार, ठंडी मजेदार किस्म की बस थी। वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में।